वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का साउथ मोइनस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ साउथ की 6 बड़ी न्यू रिलीज हिंदी डब मूवीज़ के बारे में। तो दोस्तों, इन 6 बड़ी मूवी में से 5 मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल हो चुका है। एक बड़ी फिल्म की कन्फर्म अपडेट बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आला वैकुंठा पुरामुलू फिल्म की कन्फर्म अपडेट बताने वाला हूँ। एंड दोस्तों, अगर आप सभी इस वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं तो इस वीडियो को एंड में एक बहुत बड़ी मूवी की एक्स्ट्रा लिंक के तौर पर लिंक भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, लेकिन वीडियो के एंड में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी अमेजिंग एंड मज़ेदार ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो इसलिए मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने के लिए। तो आपको वीडियो को लाइक करना है। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर एक, दोस्तों नंबर एक पर मूवी आती है जॉम्बी रेड्डी, जो कि 2021 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मिस्ट्री सस्पेंस मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में तेजा साहा, दीक्षिका एंड आनंदी इस मूवी के लीड कास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को एक्शन थ्रिलर सस्पेंस मिस्ट्री वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मूवी रहेगी। मूवी काफ़ी कमाल की एंड आप इस फिल्म को वॉच करिएगा ज़रूर। बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 7 out of 10 की रेटिंग मिली हुई थी, जो कि एक ब्लॉकबस्टर की रेटिंग मानी जाती है। एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी कमाल की रिस्पॉन्स मिली थी। तो बात करें इस फिल्म की हिंदी डबिंग की, तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है आरकेडी डुगल स्टूडियो ने और इस मूवी को सेम नाम से ही डब करवाया गया था। तो फाइनली ये मूवी पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल है। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। भी आती है चमक, जो कि 2017 में रिलीज एक रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी लव स्टोरी मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में गणेश, रश्मिका मंदना, सिद्धू इस मूवी के लीड कास्ट में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को एक रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी खासकर लव स्टोरी वाली फिल्में देखना पसंद करते तो ये फिल्म आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मूवी रहेगी। मूवी काफ़ी अमेजिंग है। बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 7 out of 10 की रेटिंग मिली हुई थी, जो कि एक नेक्स्ट लेवल की रेटिंग मानी जाती है। ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी कमाल की रिस्पॉन्स मिली थी। तो बात करें इस फिल्म की हिंदी डबिंग की, तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई थी सीन नेटवर्क ने। तो ये मूवी पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल है, लेकिन किसी भी टाइम ये मूवी डिलीट हो सकती है। तो आप जितना जल्दी हो सके जाकर इस फिल्म को वॉच कर लीजिए। नंबर तीन पर मूवी आती है कॉन्टेसा, जो कि 2018 में रिलीज एक एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में रवि एंड शरद एंड सुनील इस मूवी की शुरुआत में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को एक ड्रामा रोमांटिक एक्शन कॉमेडी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो इस फिल्म को आपको एक बार डेफिनेटली देखनी चाहिए। मूवी काफ़ी कमाल की है। बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 5.4 out of 10 की रेटिंग मिली हुई थी। एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स की तरफ से मिला जुलाकर रिस्पॉन्स मिली थी। तो बात करें इस फिल्म की हिंदी डबिंग की, तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई थी हिंदी फिल्म्स नेटवर्क ने और इस फिल्म को सेम नाम से ही डब करवाया गया था। तो ये मूवी पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल है। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, या फिर आप इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर भी वॉच कर सकते हैं। आती है चल चल गरम, जो कि 2016 में रिलीज एक रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी लव स्टोरी मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में शैलेश, दीक्षिका, अनंगना रॉय इस मूवी के रिश्तेदार में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप सभी को ड्रामा रोमांटिक खासकर लव स्टोरी रोमांटिक ड्रामा देखना चाहते हैं, इस मूवी को डेफिनेटली देखिएगा। मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 5.2 out of 10 की रेटिंग मिली हुई है मेरे अकॉर्डिंग। बात करें इस फिल्म की हिंदी वर्जन टाइटल की, तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की हिंदी वर्जन का टाइटल का नाम रखा है बाजीराव द फाइटर 3। तो ये मेरे पर अभी अनऑफिशियली अवेलेबल। पाँच, दोस्तों नंबर 5 पर मूवी आती है सेरेनेदू पोलमा, जो कि 2015 में रिलीज एक रोमांटिक ड्रामा म्यूजिकल स्टोरी मूवी थी। इस मूवी के लीड रोल में विनय राय एंड निरैया एंड थम्मी इस मूवी के शुरुआत में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की, तो दोस्तों इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से 4.6 out of 10 की रेटिंग मिली हुई थी, जो कि काफ़ी अच्छी ही रेटिंग मानी जाती है। तो अगर आप सभी को एक म्यूजिकल ड्रामा रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म में देखना चाहते तो इस फिल्म को डेफिनेटली देखिएगा।
है, ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। बात करें इस फिल्म की हिंदी डबिंग की, तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की हिंदी डबिंग कंप्लीट करवाई है हिंदी फिल्म्स नेटवर्क ने और इस फिल्म को सेम नाम से ही डब करवाया गया था। तो ये यूट्यूब पर अभी ऑफिशियली अवेलेबल है। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते तो मूवी का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। नंबर छः, दोस्तों नंबर छः पर मूवी आती है अला वैकुंठपुरमुलू, जो कि 2020 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा रोमांटिक लव स्टोरी कॉमेडी मूवी थी। इस मूवी के लिए रोल में स्टाइल स्टार अल्लू अर्जुन, पूजा हेगड़े, नविता। इस मूवी के लिस्टरगास में आप सभी को देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो दोस्तों इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तरफ से 7.3/10 की रेटिंग मिली हुई थी। एंड ये मूवी ऑडियंस एंड क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी कमाल की रिस्पॉन्स मिली थी। स्पेशली इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से एक नेक्स्ट लेवल की रिस्पॉन्ड मिली थी। तो बात करें इस फिल्म की हिंदी डबिंग राइट्स की, तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को, काफ़ी सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि इस फिल्म की हिंदी डबिंग राइट्स काफ़ी समय पहले सोल्ड आउट कर ली गई थी गोल्ड माइंड के द्वारा। तो फाइनली इस फिल्म की हिंदी डबिंग को पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हिंदी डबिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ये मूवी आपको बहुत ही जल्द यूट्यूब एंड TV पर देखने को मिल जाएगी। तो जैसे इस फिल्म की कन्फर्म रिलीज डेट या इस मूवी से जुड़ी कोई नई या छोटी बड़ी अपडेट निकल कर आएगी, तो इसकी अपडेट हमारे चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी।